क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अरब ममालिक में ही इतना क्रूड ऑयल क्यों पाया जाता है जिसे वहाँ के रूलर अरबों खरबों कमा रहे हैं। साथ ही यही सवाल भी आपके जहन में आ रहा होगा कि ज़मीन के नीचे इतना तेल आया तो आया कहाँ से। MH Explorer की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से खुश आमदीद। ये सारी स्टोरी जानने के लिए पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पेट्रोलियम आखिर बनता कैसे। आपको शायद ये पता होगा कि पेट्रोल और डीजल भी आम तौर पर ही क्रूड ऑयल से मिलकर ही बनते हैं। आज से करोड़ों साल पहले जो जानवर ज़मीन पर रहते थे उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में दफन होना शुरू हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ उन डेड बॉडीज पर ज़मीन की एक और तह बनती गई। ज़मीन की इतनी लेयर्स बनने की वजह से डेड बॉडीज़ पर काफ़ी प्रेशर बढ़ता गया जिससे वो डेड बॉडीज़ क्रूड ऑयल और कोयले में बदलना शुरू हो गए। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि उस वक्त तो ज़मीन पर हर तरफ ही जानवर मौजूद थे तो फिर क्रूड ऑयल सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही क्यों निकल आया। जैसे कि आप जान चुके हैं कि क्रूड ऑयल और कोयला ज़मीन के अंदर डेड बॉडी से बना है, लेकिन इन दोनों के बनने में भी बड़ा फ़र्क है। कोयला पौधों के बागियात से बनता है और क्रूड ऑयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी से। मिसाल के तौर पर एलजी और जू प्लैंकटन जो कि ओशन में पाए जाते हैं इनसे ही क्रूड ऑयल बना। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर क्रूड ऑयल समंदर से ही निकलता है तो फिर पेट्रोलियम मिडिल ईस्ट ममालिकों में क्यों है, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादातर दूर दूर तक तो सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो दरअसल आपको यकीन आए या ना आए लेकिन ये सारे रेगिस्तान जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 100 मिलियन साल पहले समंदर था जिसको पुराने वक्तों में टेटिस कहा जाता था। जो पानी इस ओशन में गिरते थे वो मिनरल रिसोर्सेज से भरे हुए थे, इसी वजह से इस समंदर में माइक्रोबेस पैदा होना शुरू हो गए। जब ये माइक्रोबेस मर गए तो इनकी डेड बॉडी ज़मीन में दबना शुरू हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ इन पर नमक और मिट्टी की लेयर्स बनने लग गई। इन लेयर्स और समंदर की पानी की वजह से डेड बॉडीज पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता गया, तो इस तरह हाई प्रेशर की वजह से डेड बॉडीज ऑयल और गैस में बदलने लग गई। ये सब तो बात थी क्रूड ऑयल की कि किस तरह तेल बना। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमें क्रूड ऑयल मिला कैसे। हमारी ज़मीन की सरफेस बहुत से प्लेट से मिलकर बनी है। ज़मीन की सेंटर वाली लेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लेयर लिक्विड की हालत में है और इस ज़मीन पर मौजूद सारे कॉन्टिनेंट सिर्फ इसी लिक्विड के ऊपर तैर रहे हैं। जब ज़मीन रोटेट करती है तो ये लिक्विड घूमने लगता है जिससे सरफेस भी मूवमेंट करने लगता है। तकरीबन एक साल में ज़मीन की सारी प्लेट्स एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर तक मूव करके दूर हो जाती है। हालांकि ये स्पीड सुनने में बहुत कम लगती है लेकिन हम आपको बता दें कि इतनी स्पीड के साथ दो कॉन्टिनेंट्स के टकराने से एक तबाहकुन जलजला वजूद में आ सकता है। ऐसा ही हुआ 50 मिलियन साल पहले जब इंडियन प्लेट और एरोशियन प्लेट एक दूसरे से टकराए थे जिसके नतीजे में हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन पाए। टेटे ओशियन जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं यही ओशियन इस वक्त इंडियन प्लेट और एरोशियन प्लेट को आपस में टकराने से पहले इनको एक दूसरे से अलग कर रहा था। टेटेस में इस कॉन्टिनेंट मूवमेंट की वजह से ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा सी लेवल तक ओशन के साथ मिल गया। इस जगह को आज मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। लैंड सरफेस बनने के साथ साथ समंदर के अंदर जो क्रूड ऑयल और गैस के रिसोर्सेज मौजूद थे वो भी इस जगह पर रह गए। यही वजह है कि दुनिया के किसी दूसरे मुल्कों की नस्बत मिडिल ईस्ट कंट्रीज में क्रूड ऑयल ज़्यादा पाया जाता है। 1.5 मिलियन किलोमीटर के रकबे में वाकया मिडिल ईस्ट के इन 10 ममालिक में क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि पूरे ज़मीन का तकरीबन 3.4% है। इस रीजन में दुनिया के 48% क्रूड ऑयल और 38% गैस के ज़खायर मौजूद हैं। पुराने वक्तों में बहुत से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए थे जिनकी वजह से टेटे ओशंस की तरह ही बहुत सारी नई ज़मीनें बनी थी, लेकिन बाकी जगहों में नई बनने वाली ज़मीनें मिडिल ईस्ट के मुकाबले में बहुत कम थी। इस वजह से क्रूड ऑयल दूसरे मुल्कों की नस्बत मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि दुनिया में ऑयल और गैस के ज़खायर कितनी देर तक बाकी रहेंगे। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में पता लगाया गया है कि पूरी दुनिया में मौजूद क्रूड ऑयल 2052 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या इसकी मकदार इतनी कम हो जाएगी कि इसे निकालना फ़ायदेमंद ही नहीं होगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आज दुनिया ने कन्वेंशनल एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बनाना शुरू कर दिए। यानी अब लोग सोलर से सोलर एनर्जी, हीट से जियोथर्मल एनर्जी, हवा से विंड एनर्जी, पौधों से बायोमास और पानी से हाइड्रो पावर बना रहे हैं और ये सारी एनर्जी इंसानों और ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम हो जाएगा, जिससे क्लाइमेट बेहतर होगा। क्लाइमेट बेहतर होने की वजह से वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगी, जिसकी इंसानी सेहत पर बहुत अच्छे असरात होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।